गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स में वर्कशीट नंबर 3 चैप्टर 14 की, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस बुक। ये आपकी प्रैक्टिस बुक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर। द फॉलोइंग बार ग्राफ कंपेयर्स द स्कोर्स ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स श्वेता एंड ऋषि इन अ 5-राउंड क्विज। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें टू पार्टिसिपेंट्स है, मतलब दो लोग है। कौन कौन है? एक श्वेता है और एक ऋषि है। और इस बार ग्राफ में क्या हो रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है दोनों के स्कोर्स को। तो हमें इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है और इसके आंसर देने। और इसमें कितने राउंड है? टोटल 5 राउंड है। तो ब्लू जो है वो कौन है? श्वेता है। और जो ऑरेंज है वो कौन है? ऋषि है। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया है आपको यहाँ पर। इसमें कितने राउंड है? टोटल 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 राउंड है और ये इनके स्कोर है कि इन्होंने कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, अब इन विच क्वेश्चन ए दिया है आपको क्वेश्चन। इन विच राउंड डिड श्वेता एंड ऋषि स्कोर इक्वली, मतलब इनमें से कौन से राउंड में जो है श्वेता और ऋषि के दोनों के स्कोर जो है इक्वल है, मतलब बराबर है। तो कौन सा राउंड है? यहाँ पर तो श्वेता इससे नीचे है, 100 पर है। यहाँ ये ऋषि 160 पर है। यहाँ ये श्वेता 80 पर है और ऋषि 70 पर है। दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ ये दोनों इक्वल है ना। तो कौन से राउंड में? राउंड 5 में, इसलिए हमने यहाँ लिखा राउंड 5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल इंडिविजुअल स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिविजुअली कितने इनके स्कोर है, मतलब ऋषि के अकेले के कितने स्कोर है, श्वेता के कितने हैं। तो श्वेता के कितने स्कोर है हम देखते हैं। श्वेता कौन सी है? ब्लू। तो श्वेता के कितने स्कोर है? यहाँ पर श्वेता के कितने हैं? 100। तो हम यहाँ रफ में इसे प्लस करके देखेंगे। श्वेता के यहाँ 100 है तो हमने लिखा है 100। यहाँ पर श्वेता के हो रहे हैं, ये किस पे आ रहा है? 80 पे, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 80। अब यहाँ ब्लू कितने पे आ रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ आ रहा है ये 100 और 120 के बीच में, मतलब 100 ये लाइन 110 और ये 120, तो ये 110 पर आ रहा है, इसलिए यहाँ लिखा हमने 110। अब ये कितने पर है? तो ये है आपका ये 120 पर है, तो हमने लिखा 120। और यहाँ ये कितने पर है? तो यहाँ ये लाइन आ रही है आपकी कितने स्कोर पर? 60 और 80 के बीच में, मतलब 70 पर, तो हमने लिखा है 70। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो श्वेता के स्कोर आ जाएंगे 480। तो हमने यहाँ लिख दिया श्वेता के स्कोर है 480। ऐसे ऋषि के भी करने हैं, तो आपको देखना है ऑरेंज वाला ऋषि, ऋषि यहाँ पर कितने पर आ रहा है? 160 पर। तो 160 यहाँ कितने पर आ रहा है ऋषि? तो हम देखेंगे लाइन यहाँ पर कितने पे आ रही है, 60 और 80 के बीच में, मतलब यहाँ 70 पर। तो 160 70, और ये कितने पर है? तो इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 530। तो ऋषि के स्कोर लिख दिए हमने 530। अब नेक्स्ट है, इन राउंड फोर में है ना, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड श्वेता नीड टू टाई द स्कोर विथ ऋषि, मतलब राउंड फोर में श्वेता को कितने पॉइंट्स की जरूरत है टाई करने के लिए ऋषि के साथ। टाई करने के लिए मतलब उसके बराबर, दोनों बराबर हो, ये करने के लिए टाई, मतलब दोनों का बराबर हो जाए, दोनों के स्कोर बराबर हो जाए। तो श्वेता को कितने पॉइंट्स की जरूरत है राउंड फोर में? तो श्वेता के अभी यहाँ कम है, ब्लू वाली श्वेता है, श्वेता के यहाँ स्कोर है 120 और ऋषि के कितने हैं? 140। तो ऋषि के श्वेता को यहाँ 120 पर है श्वेता और ऋषि 140 पर है। तो श्वेता को ऋषि के बराबर आने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 120 और 140 में कितना डिफरेंस है? 20 का। तो उसे 20 पॉइंट्स की और जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ लिखा 20। नेक्स्ट है, इन राउंड वन में ऋषि स्कोर्ड मैनी मोर पॉइंट्स देन श्वेता, मतलब राउंड वन में ऋषि जो है श्वेता से मोर, मतलब ज्यादा, तो श्वेता से कितने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करता है? तो यहाँ ऋषि के 160 और श्वेता के 100 ही है, तो ऋषि के जो है श्वेता से कितने ज्यादा है? 100 से 160 कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है, इसलिए यहाँ लिखा 60। व्हाट इज द मिनिमम स्कोर श्वेता ऑब्टेन इन एनी राउंड, मतलब श्वेता के सबसे कम स्कोर, मिनिमम मतलब होता है कम से कम, सबसे कम। तो श्वेता के जो है सबसे कम जो स्कोर है वो कौन से राउंड में है? तो यहाँ सबसे नीचे जो कौन सा दिख रहा है आपको, श्वेता ब्लू है, वो देखिए सबसे नीचे ये है, तो सबसे कम। और ये कितने पे आ रहा है?
ये आ रहा है यहाँ पर 71। तो श्वेता के सबसे कम स्कोर कितने है? 70। विनर ऑफ द क्विज इज, विनर कौन है इसका? ऋषि है कि श्वेता है? ऋषि। क्यों? क्योंकि ऋषि के कितने पॉइंट्स है? 530 और श्वेता के 480, इसलिए विनर कौन है? ऋषि। हमने यहाँ लिख दिया ऋषि। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा ऑफ द पोयम बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन इट, कंप्लीट द टैली टेबल गिवन बिलो। यहाँ आपको एक स्टैंजा दिया है पोयम का, इसको हमें रीड करना है और इसमें हमें काउंट करना है। यहाँ लिखा है हाउ मेनी, फाइंड आउट हाउ मेनी वोवेल्स, तो यहाँ पर कितने वोवेल्स है, ठीक है, और इस टेबल को, टैली टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो वोवेल्स मतलब, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो यहाँ लिखे है वोवेल्स। अब हमें काउंट करना है ए जो है वो कितनी बार है, ठीक है। टेली मार्क्स में 5 कैसे लिखते हैं? हमेशा 1 2 3 4 5, ठीक है, हमेशा 5 ऐसे लिखाता है, ये याद रखना आप। तो ए जो है वो कितनी बार है हम काउंट करते हैं यहाँ पर, तो ए को हमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लिख दिया 7। अब E कितनी बार है? तो E 20 बार है, आप काउंट करना E 20 बार है। I कितनी बार है? I कितनी बार है देखते हैं यहाँ पर हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। I कितनी बार है? 8 बार, इसलिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, 5 6 7 8 और यहाँ लिख दिया 8। अब O कितनी बार है ये हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया O को भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख दिया 8। अब U कितनी बार है? तो U यहाँ हम देखेंगे, U इसमें 1, एक बार तो U ये रहा और कहाँ दिख रहा है U, यहां से देखते हैं U, और एक ये रहा, 1 एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो U जो है यहाँ 2 टाइम्स ही, इसलिए हमने लिखा 1 2 और 2। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द स्टेंजा, मतलब इस स्टेंजा में टोटल कितने वोवेल्स है। तो वोवेल्स तो इतने हैं, कितनी बार है इतने, तो कितने वोवेल्स है टोटल, इन सबको आप प्लस करोगे तो आएगा 45। विच इज द मोस्ट रिपीटेड वोवेल, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वोवेल कौन सा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा वोवेल आया है? ई, इसलिए हमने लिख दिया है ई। विच इज द लीस्ट रिपीटेड वोवेल, जो लीस्ट मतलब सबसे कम बार है वो कौन सा है, सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको? 2 बार कौन है? यू, इसलिए हमने लिखा यू। हाउ मेनी मोर एज आर देयर देन यू, ए कितने ज्यादा है यू से, तो ए यहाँ पर जो है वो 7 है और यू कितने हैं? 2 है, तो ए जो है वो यू से कितने ज्यादा है, तो ये ए 7 है और यू 2 है, तो कितने ज्यादा है यू से? यू 2 है और ए 7 है, तो 7 में से 2 गए तो 5, ए 5 ज्यादा, इसलिए हमने लिखा 5। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ओज एंड यूज आर देयर इन द स्टेंजा, मतलब इस स्टेंजा में जो है कितने ओ और यू है, तो ओ और यू ये रहे, ओ 8 है और यू 2 है, तो टोटल कितने है? 8 और 2 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, एक फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करनी है इन इस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें दिए, हमें टैली मार्क्स लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। ये है कुकुम्बर, तो ये कुकुम्बर जो है वो कितनी टाइम से हम देखते हैं यहाँ पर इस फ्रूट्स में? ओनली 1 टाइम, तो हमने टैली मार्क्स में लिख दिया 1 और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 1। अब बनाना कितनी बार है देखते हैं, 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी में 5। अब ये टोमेटो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 और 1 6 और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 6। अब ये पियर है, ये कितनी बार है?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 8। ऐसे आपको कंप्लीट करना है, आपकी वर्कशीट नंबर 3 है और ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में करें। ओके, थैंक यू।